सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं ईशानी उप्रेती उत्तराखंड से अपने चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं डोल आश्रम पे। मैं अंदर आप लोगों को यहाँ डोल आश्रम का पूरा दिखाऊंगी। ऊपर से टॉप में देखो, ये डोल आश्रम की गायें हैं। अभी जंगल चरने के लिए जा रही हैं। ये बहुत प्यारी है। जय श्री राधे। ये है दूसरा गेट डोल आश्रम का। इन्हें गुस्सा करेंगे क्या ये इधर का मैंने यहाँ अंदर को नहीं जाती। यहाँ को इधर नहीं जाने शेर के साथ खींचो। ये यहाँ की फोटो खींचो कुछ शेर के साथ खींचो ना। बहुत ही परेशानी। जय श्री राधे। काटा दे शेर काटते नहीं खाते हैं। मम्मा एक बार इधर आ तो इधर मेरे साथ। मम्मी ये दोनों की चल दिए यहाँ पे शूटिंग। इनका मोबाइल काम नहीं कर रहा यहाँ तो ना। अरे ये देखो आप लोगों को दिखाऊंगी मैं यहाँ डोल आश्रम का पूरा नज़ारा। देखो कितना मस्त नज़ारा, कितना अच्छा है। वो है भोले बाबा। जय भोले बाबा। ये तुम लोग यहाँ पर सफाई करते हो क्या? अब यहाँ फोन जमा करके जाना है हमको आगे को। ये है डोल आश्रम। तो डोल आश्रम ये जो गेट है, गेट से अंदर मोबाइल को नहीं ले जाने देते हैं। ये है डोल आश्रम का नज़ारा। हम लोग गए इसके अंदर, देखा ये पूरा डोल आश्रम और बहुत अच्छा है इसके अंदर। कभी आओ आप लोग भी, उत्तराखंड में है ये। देखो यहाँ का नज़ारा, कितना प्यारा नज़ारा है डोल आश्रम का। अभी सारा तो दिखता नहीं है यहाँ से क्योंकि अंदर मोबाइल ले जाना है नहीं। ये देखो ये गोभी भी लगा रखी है यहाँ आश्रम वालों ने। यहाँ बच्चे भी पढ़ते हैं यहाँ छोटे छोटे। डोल आश्रम का नज़ारा पूरा दिखाऊंगी आप लोगों को, देखते रहिए। लेकिन अंदर तो मोबाइल ले जाना है नहीं, बाहर से ही ऐसे आप लोगों को मैं दर्शन करा सकती हूँ। ये हाँ बच्चे पढ़ते भी हैं यहीं आश्रम में। नज़ारा देखा आप लोग, बड़ा अच्छा नज़ारा है। हे भोले बाबा कैलाश पर्वत पर विराजमान है। आओ कभी उत्तराखंड में डोल आश्रम का नज़ारा देखिए। आश्रम है यहाँ, जंगल भी, जंगल के भी देखो चारों तरफ इसके कितना घना जंगल है। और बीच में देखो यहाँ कितना अच्छा भोले बाबा का मंदिर भी है। और